नमस्कार दोस्तों, 6 जुलाई 2023 इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के द्वारा एक ट्वीट पोस्ट किया जाता है ट्विटर पर चंद्रयान 3 मिशन की लॉन्चिंग डेट को लेकर। इसरो के इस ट्वीट के अकॉर्डिंग चंद्रयान 3 मिशन को 14 जुलाई 2023 के दिन 2:35 PM पर श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का एक फॉलो ऑन मिशन होगा, बट चंद्रयान 2 की तरह चंद्रयान 3 मिशन में ऑर्बिटर का यूज नहीं किया जाएगा। इसरो चीफ एस सोमनाथ के अकॉर्डिंग चंद्रयान 3 का मेन फोकस मून की सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करना होगा। चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग को ध्यान में रखते हुए इस स्ट्रेटेजी को प्लान किया गया है। इस मिशन पर दुनिया के सभी देशों की नजर टिकी हुई है, क्योंकि इस मिशन के सक्सेसफुली कंप्लीट होते ही इंडिया वर्ल्ड की फोर्थ कंट्री बन जाएगा आफ्टर यूएसए, रूस व चाइना, जो मून की सर्विस पर अपने रोवर पहुंचा चुके हैं। इसरो के अकॉर्डिंग चंद्रयान 3 का कुल बजट 651 करोड़ एस्टिमेट किया गया है। चंद्रयान 3 में प्रयुक्त रॉकेट LVM-3 को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल एंड रोवर। प्रोपल्शन मॉड्यूल की मदद से स्पेसशिप को उड़ाया जाएगा। इसके बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल अर्थ के 5 चक्कर लगाएगा। 5वां चक्कर कंप्लीट होने के बाद चंद्रयान 3 मून के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। मून के ग्रेविटी फील्ड में पहुंचते ही लैंडर मॉड्यूल एक्टिवेट होगा, जो चंद्रयान 3 को मून पर लैंड कराएगा। मून की सरफेस से लगभग 7 किलोमीटर पहले ही लैंडर मॉड्यूल के सेंसर एक्टिवेट हो जाएंगे, जो चंद्रयान 3 को लैंड कराने के लिए सुटेबल प्लेस को डिसाइड करेंगे। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद चंद्रयान 3 का आखिरी स्टेज यानी रोवर एक्टिवेट होगा, जो मून की सरफेस पर चलकर वहां का डाटा लैंडर को सेंड करेगा। लैंडर यह डाटा IDSN यानी इंडिया डीप स्पेस नेटवर्क को भेजेगा। चंद्रयान 3 मिशन के सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद रोवर मून की सरफेस पर आने वाले संदेश पर रेडिएशन को स्टडी करेगा। इमरजेंसी की कंडीशन में लैंडर मॉड्यूल चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से कनेक्शन बना सकता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।